स्थान पर राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। तो बता दें कि महिला सांसदों की तरफ से राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की गई थी और इसको लेकर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ, लेकिन अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया रेप इन इंडिया। तो संसद में बवाल के बावजूद राहुल ने बात दोहराई और कहा कि मैं नहीं मांगूंगा माफी, देश भर में रेप के मामले सामने आ रहे हैं, सबको मालूम है उन्नाव रेप का आरोपी कौन। तो रेप वाले बयान, राहुल ने माफी मांगने से इनकार किया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। खुद पीएम मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बता दें कि स्मृति ईरानी की तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया था कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम करने की कोशिश की है, देश की महिलाओं को बदनाम किया है और ऐसे में दंडित किया जाए राहुल गांधी को स्पीकर की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं हो।